एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, एरोप्लेन एरोप्लेन कांट यू टेक मी। ओ अरे आप लोग तो स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ। सो या जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा चैप्टर किस पे बेस्ड है? एरोप्लेन पे। आप सबको तो पता ही एरोप्लेन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज हम बोतल एरोप्लेन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले बताइए, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल यू आर फिट एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स आज बोतल एरोप्लेन बनाने के लिए चलिए हम देखते हैं हमें किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, एन एम्प्टी हाफ लीटर बोतल, आप हाफ लीटर बोतल यूज़ कर सकते हैं या कोई भी, जैसे कि मैं ये वाली बोतल यूज़ करने वाली हूँ। देन कलर्ड पेपर, हमें कुछ कलर्ड पेपर की भी नीड रहेगी, लाइक वाइट, येलो, ऑरेंज। देन ग्लू, ये ले ली हमने ग्लू। एंड देन चाइल्ड फ्रेंडली सीजर, ये रही हमारी सीजर। सो ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वाइट पेपर पे इस तरह का कटआउट बनाना है, जो कि मैंने यहाँ बना के रखा हुआ है। ओके तो हमें क्या करना है, जो हमारी बोतल है इस बोतल पे ये कटआउट लगा देना है इस तरह से, और इसको पेस्ट कर देना है। तो चलिए हम ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हमारे पास एक कटआउट है जो विंग्स की शेप में है। ये देखिए इस तरह से आपको ये जो कट है ये अपनी बोतल के कैप के साइज के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सो ओके अब हम इसको इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। ये देखिए ओके। देन हमें दो स्ट्रिप चाहिएंगी येलो कलर की। ये देखिए ये है येलो कलर की, और हमें क्या करना है, इसको एक स्मॉल सिलेंडर शेप, सिलेंडर मीन्स ये देखिए ये सिलेंडर शेप हो रखी है, इस सिलेंडर शेप में पेस्ट कर देना है। स्टूडेंट्स ये सब आप जो कटिंग करेंगे ये पेरेंट्स की हेल्प से कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये सिलेंडर बन जाएगा। आपको दोनों ही स्ट्रिप्स को इस तरह से पेस्ट कर देना है। इसको भी हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए हो गए हैं हमारे दोनों सिलेंडर रेडी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये देखिए कुछ शेप्स गिवन हैं, जैसे कि ये विंग्स हमने यहाँ लगा लिए हैं, ये येलो स्ट्रिप से हमने सिलेंडर बना लिए हैं, और बाकी कुछ शेप्स गिवन हैं वो भी आपको कट करके रखनी है। ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ सभी शेप्स को कट करके रखा हुआ है, ये देखिए ठीक है, आपको भी इसी तरह से कट करनी है। इसके बाद जो हमारी सिलेंड्रिकल हमने शेप बनाई थी उसको हमें एरोप्लेन के इस पार्ट पे पेस्ट करना है। तो चलिए हम पेस्ट करते हैं। ये देखिए इधर की साइड इस तरह से, ऐसे ही सेम आपको दूसरी साइड भी पेस्ट कर देना है। ये देखिए हो गए हैं पेस्ट। इसके बाद जो हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप है, ये देखिए इसको ट्रेपेजियम शेप बोलते हैं, ये हमने यहाँ कट करके रखी हुई है। इसको हमें क्या करना है, यहाँ से हमें थोड़ा सा
सिलेंडर शेप है, इस शेप के ऊपर हमें यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देना है ताकि ये इसके विंग्स लगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, ऐसे ही दूसरी साइड से भी कर लीजिए। ताकि ये एक विंडो का लुक दिखाई दे। ये देखिए ये सारे सर्कल्स अब हमें यहाँ पेस्ट कर देने हैं। तो चलिए करते हैं। हमें दोनों साइड सर्कल्स को पेस्ट करना है। हमें दो कलर में सर्कल्स कट किए हैं, येलो एंड ऑरेंज, जैसे कि आपकी बुक में दिखाया गया है। तो इसी तरह से आप भी कट कर लीजिएगा और इसको आपके एरोप्लेन के दोनों साइड हमें पेस्ट करना है। इस तरह से देखिए यानी कितनी इंटरेस्टिंग। ऐसे ही आपके दूसरी साइड में हम पेस्ट कर लेंगे, इस साइड भी। ये देखिए हो गए हैं पेस्ट। इसके बाद हमारे पास ये एक और शेप है जो कि ट्रेपेज़ियम शेप ही है, बट इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। सेम इसी तरह से हम इसको भी फोल्ड कर लेंगे दोनों को इस तरह से। और इसके ये जो विंग हमने बनाया है इस विंग पर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आई होप आप सब भी एरोप्लेन बनाएंगे और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग भी एक्टिविटी कीजिए और मुझे बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। सो ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।